स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्लगइन के बारे में बताने वाला हूं जिसका यूज करके आप गूगल डॉक्स, गूगल फॉर्म और गूगल स्लाइड्स इन तीनों प्रोग्राम्स में मैथमेटिकल इक्वेशंस को इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने इससे पहले भी दो वीडियोस बनाए हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस को इंसर्ट करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, गूगल फॉर्म्स के अंदर, बट वो जो प्लगइन थे वो पर्टिकुलर किसी एक एप्लीकेशन पे ही वर्क करते थे, या तो वो गूगल फॉर्म के ऊपर वर्क करते थे या फिर वो गूगल डॉक्स के ऊपर या गूगल स्लाइड के ऊपर वर्क करते थे। बट जिस प्लगइन के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं वो प्लगइन इन तीनों प्रोग्राम्स के ऊपर इजीली वर्क करेगा और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। तो दोस्तों इस ट्यूटोरियल को आप स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस नहीं करिएगा, ठीक है। मैं आपको प्लगइन को इंस्टॉल करने से लेकर तीनों एप्लीकेशन के अंदर वो कैसे यूज होगा उसके बारे में भी बताऊंगा, और मेरे पुराने वीडियोस भी हैं, अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया तो आप उन वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं। हालांकि मैं इस वीडियो के अंदर प्रॉपर स्टेप्स के साथ आपको बताऊंगा कि तीनों डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तीनों प्रोग्राम्स के अंदर मैथमेटिकल इक्वेशन को कैसे आप इंसर्ट कर सकते हैं इस प्लगइन के थ्रू जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं ट्यूटोरियल और मैं आपको बताता हूँ कि आप इस प्लगइन को कैसे यूज करेंगे और अपने गूगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर इक्वेशन को कैसे इंसर्ट कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपना गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है, आपको किसी एक अकाउंट से लॉगिन हो जाना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जब आप गूगल क्रोम ओपन करते हैं तो आप किसी न किसी अकाउंट से लॉगिन होते हैं, तो आपको एक अकाउंट से लॉगिन होना है। ये प्लगइन की जो URL है मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप इसे वहां से कॉपी कर सकते हैं और इस प्लगइन के पेज पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हाइपरटिया, ठीक है, जो प्लगइन है वो गूगल डॉक्स और स्लाइड्स के ऊपर वर्क करता है, तो मैंने इसे यहाँ से इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करा और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करा, ठीक है दोस्तों। अभी एक पेज ओपन हुआ है, यहाँ पे मैंने यूज अनदर अकाउंट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं जिस अकाउंट से लॉगिन हूँ उस अकाउंट से मुझे लॉगिन हो जाना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है मेरे अकाउंट के बारे में और मैं उससे लॉगिन हो रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं लॉगिन हो रहा हूँ इस अकाउंट से, ठीक है। मैंने पासवर्ड डाल दिया है, इसने पासवर्ड को एक्सेप्ट कर लिया है। अब इस तरह का कंफर्मेशन आपके पास आएगा, आप अलाउ कर दीजिए, ठीक है। अलाउ करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक मैसेज शो होगा कि ये जो हाइपरटिया प्लगइन है ये इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। आप डन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको अपना गूगल ड्राइव ओपन करना है, ठीक है। गूगल ड्राइव भी आप उसी अकाउंट से लॉगिन करेंगे जिस अकाउंट पे आपने प्लगइन को इंस्टॉल करा है। यहाँ पे आपको न्यू के ऊपर क्लिक करना है और गूगल डॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये डॉक्यूमेंट जो है वो एक दूसरे टैब में ओपन हो जाएगा। फिर आपको गूगल स्लाइड्स के ऊपर जाना है, यहाँ पे एरो के ऊपर जाना है और ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो ऐसे दो अलग अलग टैब में आपके एक में डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा और एक में प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। यहाँ पे मैं एडॉन्स के अंदर गया, यहाँ पे देखिए हाइपरटिया आपको दिख गया है। यहाँ पे आपने करा इंसर्ट और एडिट मैथ, या फिर आपके पास एक मिनी एडिटर यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है और सेंटर और अनसेंटर का भी एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ये तीन ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे इंसर्ट और एडिट मैथ, सेंटर अनसेंटर मैथ और मिनी एडिटर। तो सबसे पहले हम इंसर्ट और एडिट मैथ को देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, मैंने रिफ्रेश कर दिया है, मैं एडॉन के ऊपर गया, हाइपरटिया के ऊपर गया और मैंने यहाँ पे इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये जो बॉक्स है यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपके पास यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं, ये देखिए, जैसे ये आपके पास एक ऑप्शन है, ये आपके पास एक ऑप्शन है, यहाँ पे कई सारे सिंबल्स के ऑप्शन है, एरोज के ऑप्शन है, ठीक है, सिंबल्स, नंबर सेट, यहाँ पे आपके पास कई सारे मेजरमेंट क्वांटिटी के ऑप्शंस यहाँ पे हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट्स के आपके पास ऑप्शंस हैं और यहाँ पे कुछ मैट्रिसेस और केसेस के ऑप्शंस हैं और यहाँ पे आपके पास कमेंट्स के ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास कई सारे ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास फॉन्ट साइज है जो भी आप करना चाहें, यहाँ पे कई सारे प्री डिफाइंड इक्वेशंस बनी हुई है जो आप यूज करना चाहें, ठीक है। इस तरह से देखिए कई सारी इक्वेशंस यहाँ पे बनी हुई है जो आप यूज करना चाहें, तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे दी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको यहाँ से इक्वेशन बनानी है और आप इसका यूज कर सकते हैं। और भी मैं आपको चीजें दिखा देता हूँ, यहाँ पे हाइपरटिया पे गया मैं, यहाँ पे मिनी एडिटर के ऊपर क्लिक करा, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए मिनी एडिटर यहाँ पे ओपन हो गया है, ये भी एक छोटा सा एडिटर है यहाँ पे, इसको आप यूज कर सकते हैं। ओपन इन फुल एडिटर करेंगे तो यहाँ पे ओपनिंग इन फुल एडिटर हो जाएगा, ये फुल एडिटर मोड है, ठीक है, वो मिनी एडिटर मोड था, ठीक है दोस्तों। तो इसके पहले जो मैंने आपको दिखाया वो इसका मिनी एडिटर मोड था, ये फुल एडिटर मोड है। अब मैं आपको यहाँ पे इक्वेशंस बना के बता देता हूँ। जैसे मैंने ये करा ए की पावर 2, ठीक है, यहाँ से मैंने इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया है। फिर मैंने यहाँ पे सिंबल का यूज करा है और मैंने यहाँ से यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने लिखा बी की पावर 2, ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट करके इस तरह से और कर दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने लिखा प्लस, ये पावर में चला गया है, इसको पावर से हटा देते हैं, अब बाहर आ गए हैं। यहाँ पे मैंने लगाया इक्वल, यहाँ पे मैंने लिखा 2ab प्लस a, फिर यहाँ पे मैंने स्क्वायर को ले लिया, फिर यहाँ मैंने लिखा प्लस b
तो यहाँ पे फिर मैंने वापस से ये स्क्वायर को ले लिया, ठीक है। ऐसा करके मैंने इसे इंसर्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है इंसर्ट मैथ इनटू द डॉक्यूमेंट, ठीक है। आप इसे यहाँ से बंद करिए और देखिए ये आपकी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आ गई है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है, इनलाइन, रैप टेक्स्ट और ब्रेक टेक्स्ट, ऐसे कई सारे ऑप्शन है, मूव विद टेक्स्ट, जो आपको इजिली आपके डॉक्यूमेंट में इसे अरेंज करने के लिए मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितना इजिली जो है ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप कई सारी इक्वेशन बना सकते हैं इसका यूज करके। अब मैं आपको गूगल स्लाइड के ऊपर इसको दिखा देता हूँ कैसे यूज करना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गूगल स्लाइड, ठीक है, मैंने गूगल स्लाइड लिख दिया है, यहाँ पे गूगल स्लाइड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा गूगल स्लाइड जो है वो ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आप जाएंगे एडवांस पे, यहाँ पे आपको हाइपीटिया में ये इंसर्ट एडिट मैथ्स मिल जाएगा, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो वैसा का वैसा बॉक्स यहाँ पे दिखाई देगा जैसा आपको गूगल डॉक्स के अंदर दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए उस वैसा ही बॉक्स यहाँ पे भी आ गया है जैसा हमने गूगल डॉक्स के अंदर अभी देखा। मैं सेम आपको यहाँ पे भी वैसे ही इक्वेशन बना के बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कैसे जो है वो इक्वेशन बनती है, ठीक है। ठीक है, ये देखिए मैंने इतना लिख के इसे कॉपी कर लिया है, ठीक है, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पे मैंने लिख दिया +2ab, ठीक है, जो मेरी इक्वेशन बन गई है यहाँ पे। यहाँ से मैंने इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया और उसे मैंने इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया है लिखा हुआ इंसर्ट मैथ इनटू द डॉक्यूमेंट, ओके। तो अब ये इंसर्ट हो जाएगी, इसे यहाँ से क्रॉस करिए, ये देखिए आपके पास जो इक्वेशन है वो आ गई है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए इतने इजी तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर जो है इक्वेशंस को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप ये प्लगइन को इंस्टॉल कर लीजिएगा और अपने गूगल डॉक्स के अंदर, गूगल स्लाइड के अंदर इस प्लगइन को यूज करके देखिए। तो दोस्तों मैंने आपको गूगल डॉक्स और गूगल स्लाइड में ये प्लगइन कैसे यूज करेंगे इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि गूगल फॉर्म्स के अंदर इस प्लगइन को कैसे यूज करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली टाइप करना है गूगल फॉर्म्स, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे ये जो सेकंड नंबर की लिंक है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आप अपने अकाउंट के ऊपर लॉगिन पहले से ही हैं, जैसे कि अभी हमने पहले भी देखा था, आप अपने अकाउंट के ऊपर लॉगिन होंगे तभी आपको जो आपके गूगल फॉर्म्स है वो दिखेंगे इस अकाउंट से रिलेटेड। अब आपको कोई भी गूगल फॉर्म को ओपन कर लेना है या नया गूगल फॉर्म क्रिएट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको ये जो प्लगइन है इसका जो एड ऑन है वो आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये एड ऑन जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको हाइपीटिया एड ऑन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखिए जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक करा ये वैसा ही मैसेज बॉक्स आ गया है, डायलॉग बॉक्स आ गया जैसा आपको पहले दो प्रोग्राम्स के अंदर देखने को मिला था। यहाँ पे आप इंसर्ट और एडिट मैथ्स के ऊपर क्लिक करेंगे, इसका जो बॉक्स है ये यहाँ पे आ गया है जहाँ से आप इक्वेशन को इंसर्ट करते हैं, जैसा कि आपने पहले के दो प्रोग्राम्स में देखा था कि इस तरह का जो बॉक्स आता है इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस को लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ये इक्वेशन को सिलेक्ट कर लिया है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 और अंदर की तरफ मैंने लिख दिया है 16, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट जैसा मैंने कुछ बना दिया है और यहाँ से आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं और इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे ही आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा आपको वेट करने के लिए होल्ड करेगा और ये इंसर्ट की प्रोसेस को फॉलो करेगा आपके फॉर्म के अंदर इक्वेशन को इंसर्ट करने के लिए। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है आपको यहाँ पे अपनी जो ये जो इक्वेशन है ये इंसर्ट होके दिखने लग जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ये इमेज इस तरह से आ गई है। यहाँ पे हमने लिख दिया है कि सॉल्व द बिलो गिवन मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया है सॉल्व द बिलो गिवन मैथमेटिकल इक्वेशन, और ये जो इक्वेशन है ये एज अ इमेज यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसे चेंज भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, डुप्लीकेट करना चाहें तो डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से डुप्लीकेट हो गई है, ठीक है। तो ये एक इमेज के फॉर्मेट में आपके पास यहाँ पे आ गई है। इस तरह से आप इसे मूव भी कर सकते हैं जहाँ पे आप चाहें, आप पूरी इक्वेशन बना के इसे इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं अपने गूगल फॉर्म के अंदर, और इजीली आप जो है एक ऐसा गूगल फॉर्म बना सकते हैं जिसके अंदर आपके पास कई सारी मैथमेटिकल इक्वेशंस हो असाइनमेंट के लिए या फिर टेस्ट के लिए, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको इस प्लगइन का जो यूज है वो तीनों प्रोग्राम्स के अंदर करके बता दिया है, ठीक है दोस्तों। तो इस ट्यूटोरियल को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जितने ज्यादा लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं उनके साथ शेयर करिए, क्योंकि उनके साथ अगर आप शेयर करेंगे तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी, और मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती जाए इन वीडियोस को देखकर। और अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करना पड़ रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो, एक नए ट्यूटोरियल के साथ में। तब तक के लिए मेरे वीडियो देखते रहिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों। स्टे सेफ, स्टे एट होम।